तो गुड मॉर्निंग गाइज, आपका स्वागत है आज के ब्लॉग में हमारा। और काफ़ी दिनों के बाद मैं आज ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ, तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैंने अभी कुछ दिनों में ब्लॉग नहीं बनाया है। यहाँ पे मेन गेट में कुछ पेंटिंग का काम कर रहा हूँ, जो कि इधर पेंटिंग शुरू हो चुकी है। अभी हम लोग इसे पेंट करेंगे, पेंट करने के बाद दिखाएंगे कि आखिरकार कैसा बना है। लाइब्रेरी वैन आई है जिसमें बच्चे काफ़ी खुश हैं कि उसमें कुछ किताबें नई तरीके की उन्हें देखने को मिलेगी। तो वहाँ पे है, तो चलिए हम दिखाते हैं कि क्या चल रहा है। यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स हैं अभी जो अधूरी हैं, और बाकी ये बस के सफ़र कराएंगे। हाँ आई डू। तो ये अभी फिगर इनकम्प्लीट है, इसे कर रहा हूँ मैं। ये कुछ कंप्लीट हो गया है, बाकी ये और पूरा कंप्लीट होने के बाद मैं दिखाऊंगा कि ये फाइनली कैसा दिख रहा है। अभी तो ऐसा ही दिख रहा है। ये है जवाहर नवोदय विद्यालय वेलुरु कृष्णा, और ये एक वैन आई है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, जहां बच्चे लाइब्रेरी में जा रहे हैं, कुछ किताबें देखेंगे कि क्या है और कैसे है। बुक्स आर दे आर्ट एजुकेशन एनिमल लाइफ स्टोरीज। ओके, चलिए हम अंदर से देखते हैं कि कैसी किताबें यहाँ पे मौजूद है और बच्चे क्या कर रहे हैं। ये है मेन एंट्री गेट, और मोदी जी के यहाँ की फोटो लगी हुई है। तो अंदर एंट्री करते हैं, बच्चे इधर किताबें कुछ पढ़ रहे हैं, तेलुगु में ही है। तेलुगु और इंग्लिश की भी बहुत सारी किताबें हैं यहाँ पे। आपका स्वागत है, और पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो हम दिखाते हैं कि आखिर में कैसी बनी है। ये बच्चे जिन्होंने मदद की है, काफ़ी अच्छे बच्चे हैं यहाँ की, और ये अब ये कंप्लीट हो चुका है। बैकग्राउंड में इसमें कुछ कलर चेंज करेंगे ताकि वो थोड़ा ब्राइट हो, वो मिक्स हो रहा है उसके साथ बैकग्राउंड के साथ, काफ़ी ज़्यादा वाइट नहीं चल रहा है, तो इसके बैकग्राउंड का कलर अभी चेंज किया जाएगा। तो अभी ये बन चुका है, पूरा कम्प्लीट हो चुका है। अब हमने कर दिया पैकअप, और ये बच्चे